आज हर की पौड़ी कथा के अंतिम दिन जब गुरु जी कथा कर रहे थे तब वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव जी आए। इसके बाद बाबा रामदेव जी व्यास पीठ पर बैठे हमारे गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्र जी के पास आए और उन्हें उपहार के स्वरूप में चैन पहनाई और गुरु जी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही। गुरु जी के दर्शन अनमोल हैं, गुरु जी के चेहरे का तेज ही अलग है, ऐसा अनुभव बाबा रामदेव जी ने किया जो उन्होंने बताया। और आपको मैं बता दूं, बाबा रामदेव जी ने यहाँ तक कह दिया कि आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। इसके बाद बाबा रामदेव जी ने कहा कि मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, गुरु जी जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे रोग बीमारी दूर होती है और आपको धन संपदा प्राप्त होती है, तो यह उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, आज बाबा रामदेव जी ने भी गुरु जी के उपायों को करने के लिए सभी से आग्रह किया, निवेदन किया और अंत में सब चीज प्राप्त होने के बाद, निरोगी काया प्राप्त होने के बाद, धन संपदा प्राप्त होने के बाद आपको भगवान की शरण में रहना है और भगवान की सेवा निरंतर करते रहना है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।